ठीक है माँ। आनंदी बस बेटा चुप हो जा। सबसे मिलके मारे को बड़ा अच्छा लगा। बस एक बार मासा के भी दर्शन हो जाते तो उन्हें भी ठोक दे लेते। जी क्यों नहीं। अरे सुगना बेटा। जी बापू। जरा अपनी दादी साह को बुला दे, मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बापू। आनंदी की माँ को अपनी छोरी की बड़ी चिंता है, उसकी बीमारी का सुनेगी तो और फिक्र करने लगेगी। हम जानते हैं समधी जी कि आपके घर में छोरी को कोई कमी नहीं होगी, पर माँ बाप की एकाएक औलाद है, मन तो। जी मैं समझता हूं, इसलिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आनंदी को हमने कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा है। कमी की तो बात ही ना है। हमारे घर में उस छोरी को बेटी से बढ़कर चावे हैं सब। हाँ थारे गांव के तो भाग खुल गए, जो वहां की बेटी इस घर में ब्याह के आई। खुश रहो। गणी का मामा जी सर। संधन साह की पड़ोसन हो ना। शादी में गौणे के बखत बहुत आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही थी। मारी कुमारी रानी की सो सही पहचाना अपने माता। मारा नाम कृष्णा है और ये मारे बींद। हाँ याद आया, सुना थारी ननद ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। क्यों ऐसी क्या बात हो गई थी? अरे कोई ऐसे तो अपनी जान देता नहीं ना, तो हुआ क्या? साहब होनी को कौन टाल सकता है? जो आप लोगों को अपने गांव की बेटियों को थोड़ा अंकुश लगा के रखना चाहिए, अच्छे लक्षण दो उन्हें, ताकि जब वो बींदनी बन के बड़े घर में जावे तो अपने घर को ना ले जावे, गांव को ना ले जावे। छोरी की जात ऊंच नीच होवे देर ना लगे। अब हमें आज्ञा दे माजी साहब। क्या हुआ ऐसे क्या घूर रहा है हमारे को? कुछ गलत तो कहानी मैंने? करते हैं? पता नहीं, पर मुझे रंग रंगी चूड़ी बहुत पसंद है और माथे पे टीकी बिंदी बहुत, वो भी बहुत पसंद है। कितनी फुतरी लगती है, पर ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देख तेरे हाथ कितने सोने हो गए। तुझे पता है ना, मैंने सबसे कहा था मेरी चूड़ी मत तोड़ो, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। माँ कहती है जिसका घर वाला सिधा जाता है वो छोरी ऐसी होती है, सजने सवरने से लोग बुरा बोलते हैं। एक बात बोलू, तू ना रात में चुपके से चूड़ी पहन लिया कर, टीका बिंदी ओढ़नी जो भी तुझे अच्छा लगे वो सब पहन लिया कर, फिर सुबह उतार देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा तो बुरा कैसे बोलेंगे।
हाँ, लेकिन मेरे पास एक भी चूड़ी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं अपनी चूड़ी दे दूंगी तुझे पहनने के लिए, मेरे पास खूब सारी चूड़ियां हैं। पर मेरी सारी चूड़ियां मेरे सासरे में ही रह गई। तो जाना अपने सासरे और चूड़ियां लेकर आना। मैं सासरे वासरे नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी अपने माँ बापों के पास। और यहाँ रख के क्या करेगी उसका? अरे भागो ब्याता चोरी, मायके में छाती पर बोझ होवे। बोझ लागे बाप को मारी लाडो। कल तक तो कली जगह टुकड़ा थी, के हो गया आप आनंद के बाप को? तू मारी बात नहीं समझ रही है बावली। अरे मेरा बस चले तो मैं अपनी छोरी को अपने कलेजे से लगाकर रखूं जीवन भर, पर ये बिरादरी का क्या करूं? बिरादरी का मन मां बाप के मन जैसा नहीं होता है, और बिरादरी से हम बैर नहीं ले सकते। वो लोग बातें बढ़ाएंगे, बोलेंगे मेरी छोरी के अंदर को दोष था इसलिए सासरे वालों ने उसे भेज दिया, उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तब हम क्या करेंगे? और क्या जिंदगी भर तू छोरी को घर पे बिठा के रखेगी? भागो, बड़े घर से जब रिश्ता जुड़ता है तो जितनी सांड बढ़ती है ना, रिश्ता टूटने पर उतनी बदनामी भी होवे। इस वक्त तो मैं समझियों के पैरों पे अपनी पगड़ी धर के किसी तरह मना लूंगा, लेकिन बाद में क्या? जो बिगड़ गई सो बात गई भागो, अपनी छोरी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाई जी के कहने का मतलब है भाभी साहब कि पहले ये जानने की कोशिश करें कि कहीं अपनी आनंदी से तो कोई भूल चुक ना हो गई है। अपनी छोरी अभी छोटी है, कोई गलती भी तो कर सकती है ना बेचारी। मारे राणे के सौ सर आंखों पे बिठाल के रखा अपने अपनी छोरी को, अपने मायके में अपनी मर्जी की मालकिन थी, पर सासरे में तो ये सब ना चले है ना भाभी साहब। वहां पर तो वहां के रीति रिवाज कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़े। भाभी साहब, भाई जी जो कहे हैं उसमें आनंदी और हम सबकी भलाई है। सोच भागो, शांत दिमाग से सोच, मैं अपनी छोरी की भले की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है।